हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अल्फ़ा स्टडी चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, एनसीईआरटी का सारे चैप्टर का क्वेश्चन वन बाय वन कवर कर रहे हैं। आज जो होगा दोस्तों, 10वां चैप्टर होगा प्रकाश का परावर्तन या अपवर्तन। इनके सारे सवालों को देखेंगे दोस्तों वन बाय वन। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर दोस्तों इससे पहले आपने वीडियो नहीं देखा है तो उन वीडियो को ज़रूर देख ले। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है दोस्तों, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। इस सवाल का जवाब दीजिए दोस्तों। फोकस दूरी जो होता है दोस्तों, गोलीय दर्पण का दुगुना होता है, वक्रता त्रिज्या का दुगुना होता है दोस्तों। तो यहाँ पे फोकस दूरी बराबर आर बटे टू हो जाएगा। जहाँ वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है दोस्तों आर 20 सेंटीमीटर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, वक्रता त्रिज्या किसे बोलते हैं दोस्तों। जैसे एक गोलीय दर्पण है तो यहाँ पे जो इसका वक्रता केंद्र होगा दोस्तों आर, और यहाँ पे जो इस आर को दो बराबर भागों में बांट देंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ का जो दूरी होगा, और यहाँ का दूरी एफ़ मान लेते हैं दोस्तों, और ये कैपिटल एफ़। तो दोस्तों यहाँ पर आर बराबर जो है एफ़ प्लस एफ 2F हो जाएगा। इसे वक्रता केंद्र बोलते हैं दोस्तों, और इसको बोलते हैं ध्रुव। ठीक है दोस्तों, गोलीय दर्पण का ये ध्रुव होता है, ये वाला पोर्शन ध्रुव होता है, और ये फोकस दूरी होता है, और ये वक्रता केंद्र होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूछा है वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी, तो फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हम वाहनों में पीछे का भाग देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, वाहनों का पीछे का जो भाग देखने के लिए दर्पण का प्रयोग करते हैं वो उत्तल दर्पण होता है। ठीक है दोस्तों, और उत्तल दर्पण का दो खासियत है, इसी कारण से जो है हम वाहन में प्रयोग करते हैं। एक तो पहला पॉइंट है दोस्तों इसका, ये सीधा प्रतिबिंब बनाता है, सीधा प्रतिबिंब बनाता है दोस्तों, सीधा इमेज बनाता है। ठीक है दोस्तों, ये सीधा प्रतिबिंब बनाता है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, पीछे का बहुत बड़े क्षेत्र को कवर करता है। ठीक है दोस्तों, क्षेत्र को कवर करता है, बहुत बड़े क्षेत्र को कवर करता है। ठीक है दोस्तों, ये क्षेत्र को, पीछे का जो क्षेत्र होता है, अधिक से अधिक क्षेत्र को कवर करता है। ये दो पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों। तो वाहनों के पीछे का भाग देखने के लिए जो है उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कोई अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु का 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है। ठीक है दोस्तों, इस सवाल को बनाने के लिए आपको साइन कन्वर्सन आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अवतल दर्पण से जो वस्तु की दूरी होती है दोस्तों वो नेगेटिव होती है। एक बार बता देते हैं दोस्तों, जैसे ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, जो बाएं साइड होगा दोस्तों, लेफ्ट साइड, ये सारा नेगेटिव होता है, ये याद रखिएगा। जो राइट साइड होता है दोस्तों, अवतल दर्पण दोस्तों, यहाँ पे ये अवतल दर्पण हुआ दोस्तों, ठीक है। इसका बाहरी सतह जो है पेंट किया हुआ रहता है, और अंदर जो होता है दोस्तों चिकना होता है। ठीक है दोस्तों, इसका जो राइट साइड होगा दोस्तों वो पॉजिटिव होगा। ठीक है दोस्तों, राइट साइड पॉजिटिव और लेफ्ट साइड जो दोस्तों नेगेटिव होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से वस्तु दर्पण के सामने रखा है दोस्तों, तो u बराबर -10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, u बराबर -10 सेंटीमीटर हो जाएगा। और बोला है दोस्तों, 10 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु का 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों, तो आवर्धन जो होगा, आवर्धन मतलब बड़ा होता है दोस्तों, ठीक है। तो आवर्धन बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, -3। जब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है दोस्तों तो नेगेटिव लेते हैं आवर्धन को, ठीक है दोस्तों। और जो है तो बोला है दोस्तों कि प्रतिबिंब बनता है, तो प्रतिबिंब दर्पण से कितना दूरी पर है। तो दोस्तों प्रतिबिंब कितना दूरी पर है, तो m बराबर होता है दोस्तों, आवर्धन बराबर होता है दोस्तों m बराबर -v/u। इसको याद रखिएगा दोस्तों, आवर्धन बराबर -v/u, इसी से बन जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे जगह नहीं है दोस्तों, बैक करते हैं, फिर से दिखाते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे निकला u बराबर -10, m बराबर -3। ठीक है दोस्तों, v बराबर पूछा है, v बराबर वाट,
होता है दोस्तों एम बराबर माइनस वी बटे यू। तो यहाँ दोस्तों एम का वैल्यू माइनस तीन रखेंगे दोस्तों, और वी का वैल्यू दोस्तों निकालना है, और यू का वैल्यू माइनस दस सेंटीमीटर। तो माइनस माइनस प्लस दस हो जाएगा, तो वी बराबर माइनस तीस सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 30 सेंटीमीटर। और माइनस ये दिखाता है कि वस्तु जो है दोस्तों दर्पण के सामने बना है, ठीक है दोस्तों, इसीलिए यहाँ पे माइनस आया। कोई भी दर्पण हो दोस्तों, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण, इनका बाएं साइड जो होता है लेफ्ट साइड, इधर नेगेटिव लेते हैं ठीक है, और राइट साइड पॉजिटिव लेते हैं, इसको याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 30 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। जब प्रकाश की किरण वायु से जल में प्रवेश करती है तो क्या होगी, है ना दोस्तों, इस सवाल का जवाब दीजिए। जब प्रकाश की किरण वायु से जल में प्रवेश करेगी तो दोस्तों ये अभिलंब की ओर झुकेगी। दिखा देते हैं दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे मान लेते हैं दोस्तों ये वायु, ऊपर वाला भाग वायु है, नीचे जो है दोस्तों जल है, जल है ठीक है दोस्तों। यहाँ से प्रकाश की किरण आ रहा है दोस्तों, तो मान के चलिए दोस्तों यहाँ पे जो है एक अभिलंब डाल दे, जहाँ जिस बिंदु पे दोस्तों, इस जिस बिंदु पे, ये वाला बिंदु पे जो दोस्तों प्रकाश की किरण जहाँ पे पानी से टकराएगी, वहाँ पे एक परपेंडिकुलर डाल दे, एक मान लिए दोस्तों, इसे अभिलंब बोलते हैं। अभिलंब ऐसा मान के चलिए दोस्तों कि मान के चलिए पानी में बांस गाड़ दिया गया हो, ठीक है दोस्तों, और बांस के एक कोना पे जो आप जहाँ पे प्रकाश गिरा रहे हैं दोस्तों, यहाँ से जो है फिर ये प्रकाश इस तरह से इसको जाना चाहिए सीधा, ठीक है दोस्तों, लेकिन ये ऐसा नहीं होता, अभिलंब की ओर मुड़ जाता है थोड़ा सा, तो इसी को बोलते हैं अभिलंब की ओर मुड़ना। तो ये अभिलंब की ओर मुड़ता है, तो क्यों मुड़ता है दोस्तों, तो वायु में प्रकाश की चाल अधिक होती है और जल में प्रकाश की चाल कम होती है। इसका मतलब वायु को हम लोग विरल माध्यम बोलते हैं, ठीक है दोस्तों, और जल को सघन माध्यम बोलते हैं। जल या कोई भी चीज़ जो दोस्तों कांच वगैरह को सघन माध्यम बोलते हैं। तो जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो दोस्तों प्रकाश की किरण जो है अभिलंब की ओर झुकेगी, ठीक है दोस्तों, प्रकाश की किरण जो है अभिलंब की ओर झुकेगी, इस तरह अभिलंब की ओर, ये अभिलंब की ओर झुकेगी प्रकाश की किरण, ठीक है दोस्तों। और ये इसीलिए होता है क्योंकि प्रकाश की चाल वायु में अधिक होता है जबकि पानी में प्रकाश की चाल कम होता है, ठीक है दोस्तों। पानी में प्रकाश की चाल कम होने के कारण उसका स्पीड घट जाता है दोस्तों, और स्पीड घटने के कारण अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। यहाँ से प्रकाश आया दोस्तों, इस तरह जाना चाहिए था, लेकिन अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश वायु से 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रवेश करती है तो कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी, ठीक है दोस्तों। तो अपवर्तनांक बराबर दोस्तों आपको याद होना चाहिए, अपवर्तनांक बराबर होता है, अपवर्तनांक बराबर होता है दोस्तों, अपवर्तनांक बराबर होता है दोस्तों वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल, है ना दोस्तों, प्रकाश की चाल चाल बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल, उस माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है दोस्तों, प्रकाश की चाल। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या होगा, अपवर्तनांक दिया हुआ है दोस्तों 1.50, ठीक है दोस्तों, और जो है वायु में प्रकाश की चाल जानते हैं दोस्तों 3×10^8 मीटर पर सेकंड होता है, 3×10^8 मीटर पर सेकंड, और उस माध्यम में प्रकाश की चाल निकालना है। तो मान लेते हैं दोस्तों कांच यहाँ पर है उस माध्यम में, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से 1.5 दो बार में इस कट जाएगा दोस्तों, तो कांच का जो चाल होगा दोस्तों 2×10^8 मीटर पर सेकंड, ठीक है दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2×10^8 मीटर प्रति सेकंड सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आवर्त यहाँ पे दोस्तों अपवर्तनांक बराबर याद रखिएगा म्यू बराबर म्यू टू वन करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर टू जो है जिस माध्यम में है उस माध्यम में प्रकाश की चाल, और वन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों म्यू वन बटे म्यू टू। इसका मतलब हुआ दोस्तों अपवर्तनांक बराबर वायु में प्रकाश की चाल, यानी प्रकाश जिस माध्यम से आ रही है और जिस माध्यम में जा रही है उसमें प्रकाश की चाल को अपवर्तनांक बोलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2×10^8 मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों।
निम्नलिखित में प्रकाश सबसे अधिक तीव्र गति से किसमें गति करता है? तो बताना है दोस्तों, सबसे अधिक किसमें गति करता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा जल। ठीक है दोस्तों, तो कैसे पता करेंगे दोस्तों? तो जिसका अपवर्तनांक जितना अधिक होगा उसमें जो दोस्तों उतना स्पीड उसका कम होगा। जैसे वायु में प्रकाश की चाल सबसे अधिक है तो इसका अपवर्तनांक सबसे कम होगा। वायु का अपवर्तनांक होता है दोस्तों 1.003 के आसपास, यानी लगभग 1 के पास। और जल का अपवर्तनांक होता है दोस्तों 1.33, है ना दोस्तों। जबकि किरोसिन का तेल का जो अपवर्तनांक होता है दोस्तों 1.44, ठीक है दोस्तों। तारपीन का तेल का जो अपवर्तनांक होता है 1.47, और हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है दोस्तों 2.42। इसका मतलब हुआ हीरा में सबसे अधिक जो है सबसे कम गति से प्रकाश चलेगा, ठीक है दोस्तों। यानी प्रकाश का जो वेग होगा, प्रकाश का जो स्पीड होगा, जो चाल होगा दोस्तों, हीरा में सबसे कम, वायु में सबसे अधिक प्रकाश का चाल होगा। लेकिन यहाँ पे वायु नहीं था इसीलिए जल हो गया, क्योंकि इन सब में किरोसिन का तेल, हीरा और तारपीन का तेल में सबसे कम जल का है, इसीलिए जल में सबसे अधिक जो है वायु की चाल होगा। अर्थात ये तात्पर्य निकला दोस्तों कि जिसमें सब जिसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा उसमें प्रकाश की चाल कम होगा, और जिसका अपवर्तनांक जितना कम होगा उसमें प्रकाश की चाल उतना ही अधिक होगा। तो इसका मतलब हुआ दोस्तों वायु में सबसे प्रकाश की चाल अधिक, उसके बाद जल में, उसके बाद दोस्तों किरासिन का तेल में, उसके बाद तारपीन का तेल में, उसके बाद हीरा में। ये पांचों को याद रखिएगा दोस्तों, इसका अपवर्तनांक, ठीक है दोस्तों। ये एनसीईआरटी का है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। किसी लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो दोस्तों लेंस की क्षमता बराबर क्या होता है? पी बराबर 1/f, है ना दोस्तों। यानी लेंस की क्षमता फोकस दूरी की उल्टा होता है दोस्तों, ठीक है। तो डायोप्टर 1 डायोप्टर दे देंगे दोस्तों, तो एफ बराबर क्या निकलेगा दोस्तों? 1 मीटर, है ना दोस्तों, 1 मीटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 मीटर। तो कहाँ? ऑप्शन में, सी नंबर में। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए, तो अवतल लेंस की क्षमता दोस्तों हमेशा ऋणात्मक होता है, ठीक है दोस्तों। अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होता है और उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होता है। याद रखिएगा दोस्तों, अवतल लेंस की क्षमता जो होता है ऋणात्मक, है ना दोस्तों, ऋणात्मक होता है, और जबकि उत्तल लेंस की क्षमता दोस्तों धनात्मक होता है। ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। बस इतना ही याद रखिएगा, सारा सवाल बन जाएगा, धनात्मक होता है। तो अर्थात इसका मतलब हुआ 2 मीटर फोकस दूरी है, तो 2 मीटर फोकस दूरी पी बराबर 1/f, है ना दोस्तों। तो पी बराबर क्या हो जाएगा? 1/2, इसका मतलब 0.5, और ये अवतल लेंस है, ठीक है दोस्तों, इसलिए -0.5 हो जाएगा। ये याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? -0.5 डायोप्टर। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? तो दोस्तों इनमें से जो है मिट्टी का जो है लेंस बनाने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता दोस्तों। जल का भी लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है, कांच का भी प्रयोग किया जा सकता है, और प्लास्टिक का दोस्तों। ये ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक होता है, पारदर्शी प्लास्टिक, ठीक है दोस्तों। जो लगाते हैं दोस्तों खिड़की वगैरह में, वो प्लास्टिक होता है, ठीक है, अपारदर्शी प्लास्टिक नहीं है। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मिट्टी लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, वो है मिट्टी। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। किसी कार के हेडलाइट तथा सौर भट्टी में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसको याद रखिएगा दोस्तों, कार के हेडलाइट या जो सौर भट्टी होता है दोस्तों, उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। ये क्यों किया जाता है दोस्तों? क्योंकि ये सामांतर किरणपुंज का ये करता है, सामांतर किरणपुंज जो होता है निकालता है। दिखा देते हैं दोस्तों, जैसे ये यहाँ पे जो है मोटरसाइकिल या फिर कोई भी कार का हेडलाइट का ये बल्ब है, ठीक है दोस्तों, ये बल्ब है, और ये जो है अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण का दोस्तों ये वाला तो पेंट रहता है और कार में भी रहता है, और ये वाला चिकना होता है। और मान लेते हैं ये कोई कांच लगा हुआ है दर्पण, ये बल्ब हो गया, ठीक है दोस्तों। ये तो ये वाला जो दर्पण होता है दोस्तों, ये वाला जो क्या करेगा दोस्तों, यहाँ से बल्ब जलेगा तो प्रकाश ऐसे होगा, चारों तरफ फैलेगा, लेकिन इसे जो है अवतल दर्पण सामांतर कर देगा और एक ही पार्टिकुलर जगह पर फोकस करेगा, ठीक है दोस्तों, इससे ज़्यादा रोशनी होगा।
इसी प्रकार से दोस्तों सौर भट्टी में भी किया जाता है अवतल दर्पण का प्रयोग, और सौर भट्टी में दोस्तों लगभग 100 से 180 से डिग्री सेंटीग्रेड से 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक ताप को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है दोस्तों, सामान्य तापमान से। तो इस तरह से एक ही तरह से किरण पुंज निकलेगा, समांतर किरण पुंज, तो इसमें ताप बहुत ज़्यादा होगा दोस्तों और रोशनी अच्छा करेगा, इसीलिए जो है हेडलाइट तथा और ये जो है दर्पण के तरह काम करता है। ये जो वक्रकार जो होता है मोटरसाइकिल के या फिर जो है कार के आगे में लगा हुआ रहता है दोस्तों, कार के यानी बॉल बॉल जो होता है दोस्तों उसमें, ठीक है दोस्तों, लाइट में जो होता है दोस्तों, और ये वाला जो भाग है ये तो शीशा है दोस्तों, लेकिन ये दर्पण का काम करता है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। निम्नलिखित में दर्पण सूत्र है, तो याद रखिएगा दोस्तों दर्पण सूत्र जो होगा ये पॉजिटिव होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ठीक है दोस्तों। अगर यहाँ पे माइनस कर देंगे तो ये मिरर ये सॉरी लेंस फार्मूला हो जाएगा। तो दर्पण फार्मूला याद रखिए सारे पॉजिटिव होता है और 1/f बराबर होता है, और लेंस फार्मूला में खाली यहाँ पे माइनस कर देंगे दोस्तों, यहाँ पे माइनस कर देंगे तो ये लेंस फार्मूला हो जाएगा। अगला यहाँ पे दर्पण फार्मूला पूछा है दोस्तों, दर्पण का सूत्र, तो इसका 1/v प्लस 1/u हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, किसी लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है तो किस प्रकार का लेंस है। तो अभी बताया दोस्तों, अगर नेगेटिव क्षमता होगा तो वो अवतल लेंस होता है, और अगर पॉजिटिव क्षमता होगा तो दोस्तों वो उत्तल लेंस होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर नेगेटिव होगा तो अवतल लेंस, ठीक है दोस्तों। अगर क्षमता किसी लेंस का नेगेटिव है तो अवतल लेंस, और पॉजिटिव होगा, ठीक है दोस्तों, तो ये उत्तल लेंस का क्षमता होगा, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब हुआ कि जो है फोकस दूरी भी अवतल लेंस का नेगेटिव ही होता है और उत्तल लेंस का पॉजिटिव होता है, क्योंकि पी बराबर 1/f है ना दोस्तों, पी का वैल्यू नेगेटिव रखिएगा तो एफ ऑब्वियसली नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, अवतल लेंस। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा एक ही तल में। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, एक मिरर ले लीजिए दोस्तों, जो चेहरा देखते हैं दोस्तों, ठीक है, और यहाँ पे जो है मान के चलिए काल्पनिक लाइन जहाँ से आप जो है टॉर्च यहाँ पे जो जला दिए टॉर्च, ठीक है दोस्तों, टॉर्च जलाए तो यहाँ पे इस कोना पे मार रहे हैं, तो यहाँ पे एक काल्पनिक लाइन मार खींच दीजिए दोस्तों, जैसे कि आप लाइट जिस पॉइंट पे मार रहे हैं दोस्तों, तो उस बिंदु पे जो है एक काल्पनिक लाइन खींच दीजिए तो प्रकाश से किरण वापस हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये प्रकाश जो मिरर में मारेगा तो ये वापस ही हो जाता है दोस्तों, ये काल्पनिक लाइन हम मान लेते हैं दोस्तों, इसे अभिलंब कहते हैं, इसी से तुलना करते हैं दोस्तों कि कितना एंगल से यहाँ पे जो है प्रकाश डाला गया, आर इसको I1 बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, और इसको रिफ्लेक्शन एंगल बोलते हैं दोस्तों R1, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए, पर आपतित किरण ये हो गया, इसको आपतित किरण बोलेंगे, और ये जो होगा परावर्तित किरण, ठीक है दोस्तों, और ये अभिलंब पर खींचा गया आपतन बिंदु, यहाँ पे जो तीनों मिल रहा है दोस्तों इसे आपतन बिंदु बोलते हैं, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों देखिए दोस्तों एक ही तल में है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, एक ही तल। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, आपतन कोण की जया अपवर्तन कोण की जया का अनुपात नियतांक होता है, यह किसका नियम है। तो दोस्तों ये स्नेल का नियम था, ठीक है दोस्तों। क्या बताया था दोस्तों स्नेल ने, कि जैसे ये दर्पण है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो है लाइट डाले, यहाँ से लाइट परावर्तित हो गया, ठीक है दोस्तों। तो एक अभिलंब मान लिए दोस्तों बीच में जहाँ पे तीनों बिंदु मिलता है, ठीक है दोस्तों। तो ये अभिलंब से जो थीटा कोण बनाएगा, जो भी कोण बनाएगा कोण आई, ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे कोण आर, ये दोनों बराबर होगा, ठीक है दोस्तों, कोण आर और कोण आई बराबर होगा, यही स्नेल ने नियम दिया था। तो स्नेल का नियम क्या बोला था दोस्तों, कोण आई और कोण आर बराबर होगा, और एक तो दिया था दोस्तों उसी में बोला था कि साइन आई इसका जो जया होगा, साइन जया मतलब साइन, ठीक है दोस्तों, साइन आई बटे साइन आर, ये एक नियतांक होता है, यही स्नेल ने नियम दिया था, ठीक है। यहाँ पे स्नेल ने ये नियम दिया था, और इसी नियतांक को दोस्तों बोलते हैं अपवर्तनांक, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लेंस की क्षमता का SI मात्रक पूछा है। तो दोस्तों लेंस की क्षमता का SI मात्रक याद रखिएगा दोस्तों डायोप्टर होता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी लेंस की क्षमता धनात्मक होता है तो वह किस प्रकार का लेंस है। तो अभी बताया दोस्तों, अगर धनात्मक होगा तो उत्तल लेंस, और ऋणात्मक होगा तो अवतल लेंस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं,
एक लेंस की क्षमता प्लस टू डायप्टर है वो लेंस है, तो ये भी दोस्तों उत्तल लेंस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, प्रकाश की मार्ग होती है, तो दोस्तों प्रकाश जो है सरल रेखा में, एक रेखीय रेखा में जो है चलता है, ठीक है दोस्तों। तो प्रकाश का जो मार्ग होगा दोस्तों वो सीधा चलता है, ठीक है दोस्तों, किधर मुड़ता ही नहीं है, एक ही सरल रेखा में गमन करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सीधा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में लेंस सूत्र, तो अभी बताया दोस्तों कि लेंस सूत्र जो है वह 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ठीक है दोस्तों। सिर्फ अगर यहाँ पे प्लस दे देगा तो ये मिरर फॉर्मूला, लेकिन लेंस फॉर्मूला पूछा है तो यहाँ माइनस होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, किसी दर्पण में चाहे आप कितनी दूरी पर खड़े हो आपका इमेज हमेशा सीधा बनता है, संभवतः दर्पण है, इस सवाल का जवाब दीजिए। आप यदि किसी दर्पण चाहे आपसे कितने पर दूरी पर खड़े हो आपका जो प्रतिबिंब होगा हमेशा सीधा और सीधा बनेगा दोस्तों, ठीक है। तो ये किस प्रकार का दर्पण है, तो दोस्तों ये उत्तल या समतल दर्पण, ठीक है दोस्तों, उत्तल या समतल दर्पण में जो है हमेशा सीधा और जो है वस्तु से छोटा, ठीक है दोस्तों, और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल और समतल इसका दोनों आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी अगर वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर तथा प्रतिबिंब वास्तविक हो और 30 सेंटीमीटर दूरी पर हो, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या पूछा है दोस्तों, प्रतिबिंब उस फोकस दूरी क्या होगी, तो फोकस दूरी बराबर 1/f बराबर 1/v जोड़ 1/u है ना। दर्पण पूछा है तो दर्पण फॉर्मूला लगेगा दोस्तों, तो 1/v जो है वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, तो दोस्तों ये दर्पण के आगे में इमेज बनेगा, ठीक है दोस्तों, वास्तविक बनेगा। तो यहाँ पे माइनस 30 और यहाँ पे जो हो जाएगा दोस्तों यू का वैल्यू हो जाएगा दोस्तों 1/-10 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों, क्योंकि वस्तु वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है तो वस्तु जो है दर्पण के सामने ही रखते हैं दोस्तों, अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो वस्तु हमेशा दर्पण के सामने ही रखते हैं, क्योंकि इसके पीछे वाले भाग ये अवतल दर्पण हुआ, ठीक है दोस्तों, ये पीछे वाले भाग जो है इसमें पेंट किया हुआ रहता है, तो वस्तु को आगे ही रखना पड़ेगा, और उत्तल दर्पण इस प्रकार होता है, ठीक है दोस्तों, इसका अंदर वाला भाग पेंट किया हुआ रहता है, तो ये उत्तल दर्पण का हो गया दोस्तों। तो उत्तल दर्पण वस्तु को आगे ही रखेंगे तो वस्तु हमेशा नेगेटिव ही होगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलसीएम माइनस 30 और यहाँ पे माइनस है ना दोस्तों, माइनस 1 और यहाँ पे माइनस 3, तो 30/ हो जाएगा दोस्तों, एलसीएम हो जाएगा 30, 30/ माइनस 4, यानी क्या हो जाएगा फाइनली दोस्तों, 30/-4, ठीक है दोस्तों, जो 15/2 7.5 के आसपास आंसर आएगा दोस्तों, यहाँ आंसर ऑप्शन गलत होगा, तो इसका सही आंसर 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर है। तो यहाँ पे जो है 15 दिया है दोस्तों, तो यहाँ पे जो है वास्तविक प्रतिबिंब है, इसीलिए 15, अगर यहाँ वास्तविक प्रतिबिंब नहीं होता, ठीक है दोस्तों, आभासी प्रतिबिंब होता तो यहाँ पर 15 आंसर होता, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 7.5, यहाँ पर गलत होगा 15 दोस्तों। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बस दोस्तों यहीं तक सारे क्वेश्चन खत्म हो चुका है, कल जो चैप्टर होगा दोस्तों, कल जो है 11वां चैप्टर होगा, आज 10वां चैप्टर खत्म हो गया दोस्तों, और ये जो है अभी नॉर्मल क्वेश्चन नहीं पूछता है दोस्तों, अभी ये क्वेश्चन सब स्टैंडर्ड क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है सारा, ठीक है, वो आसान क्वेश्चन भी करवाएंगे दोस्तों, पहले एक बार सारे भारी भारी क्वेश्चन को देख लेने दीजिए, सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, और यही सब ग्रुप डी और रेलवे एनटीपीसी में अभी पूछता है, अब हल्का जो सीधा सीधी सब पूछता था वो सब जमाना गया दोस्तों, ठीक है दोस्तों, कल मिलते हैं अगला।